Now I show you how to do air walk. Before you try, watch this. This is a best way to learn air walk. इसमें हमें ऐसे ऐसे शो करना पड़ता है जैसे कि हम हवा में चल रहे हैं. इसे करना काफी इजी है, बस घर में आपको प्रैक्टिस की जरूरत है शूज पहन के. देखो, सबसे पहले एक पैर को आगे यूं पूरा लेते हुए यहाँ पे और दूसरा पैर पंजे पे, फिर इस पैर को उठा के ऐसे पूरा लेते हुए यहाँ पे और फिर इस पैर को उठा देना है. ऐसे ही इजी सिंपल वे में आपको कंटिन्यूस करते रहना है. देखो मैं फिर से करके दिखाता हूँ. काफी इजी है. ओके, आपको एक पैर पंजे पे रखना है, दूसरा हवा में आते हुए यहाँ पे, फिर ये वाला पैर स्टेबल हो गया, ये तो ये वाला पैर उठा के हवा में रखना है और पूरा बैक आते हुए यहाँ पे, फिर ये वाला पैर उठा के ऐसे ऐसे, दोनों पैर सेम पोजीशन से उठते हैं और सेम पोजीशन पे ही आएंगे. अगर आपकी पोजीशन आगे पीछे होती है तो आपका स्टेप गलत हो जाएगा और आप आगे पीछे बढ़ जाएंगे, वो आपको नहीं करना है. आपको बस इजीली सिंपल जिस पोजीशन पे खड़े हो वहीं पे खड़े खड़े एक पैर ऐसे, बस जैसे ये रेस्ट पोजीशन पे आ गया दूसरा पैर उठा के ऐसे, पैर नीचे जमीन पे टच नहीं करना, जैसे हमने साइड वॉक और मून वॉक में किया था वैसे नहीं करना, पैर को नीचे जमीन पे टच नहीं करना, बस एयर में ही रखना है, हवा में रखना है. क्यों? क्योंकि ये ऐसे आप दोनों पैरों पे करोगे तो वो काफी कूल और इजी हो जाएगा. ओके, मैं इतनी इजी भी करता हूँ. क्यों? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है. आपको भी कंटिन्यूस प्रैक्टिस करने की जरूरत है. यहाँ पे आपको आगे या पीछे नहीं होना, सिर्फ एक ही जगह खड़े खड़े करना है, जो जिसके लिए आपको थोड़ी सी घर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना. उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे, मैं लास्ट टाइम करके बता देता हूँ आपको. देखो, ये जो पैर है इसको ऐसे लेना है और हवा में लाते हुए यहाँ पे रखना है, इसको पूरा जमीन पे नहीं रखना, सिर्फ पंजे पे रखना है. फिर सेम ये वाला पैर, ये वाला जो पैर है इसको भी हवा में लाते हुए पूरा ऐसे पंजों पे रखना है, जमीन पे नहीं रखना. आप इन दोनों पैरों को पंजों पे ही रखेंगे और बारी बारी जब एक के बाद एक करेंगे तब ये स्टेप काफी इजीली आप कर पाएंगे. आपको बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है. देखो फाइनली इसे देखो और घर पे प्रैक्टिस करो, और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताना. उम्मीद है आप सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा. अब आपको कोई भी न्यू अपडेट्स चाहिए मेरी डांसिंग वीडियोस को लेके, या जो भी मैं डांसिंग ट्यूटोरियल शो कर रहा हूँ उनको लेके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली या रिलेटिव्स के साथ. मैं आगे भी आपके लिए डांसिंग की वीडियोस और डांसिंग के स्टेप सारे के सारे ट्यूटोरियल लाता रहूंगा. ओके, सो कीप प्रैक्टिस. थैंक यू.